राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। भजनलाल शर्मा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जानेंगे भजनलाल शर्मा कौन है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आप कार्य करते हुए प्रदेश के विकास की गति को आगे भी बनाए रखेंगे और राज्य को पूरे देश में नंबर वन बनाएंगे। अब देखिए भजनलाल शर्मा के बारे में आपको कुछ बड़ी जानकारियां दे दूं। 56 वर्षीय भजनलाल ने राजस्थान की सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके पास केवल 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है और भजनलाल पर 46 लाख रुपए की देनदारियां भी है, यानी कि 46 लाख रुपए कर्जा इसे कह सकते हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भजनलाल श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी के मालिक भी है। बताया जा रहा है कि भजनलाल काफी संघर्षशील व्यक्ति है। भजनलाल शर्मा पहले भरतपुर जिले के आरपी शर्मा नामक ठेकेदार के यहां मुनीम का काम करते थे। इस काम के लिए उन्हें 8,000 रुपए मासिक वेतन मिलती थी। भजनलाल शर्मा काफी मेहनती थे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि ठेकेदार आरपी शर्मा हाईवे का ठेका लेता था, उसी के यहाँ भजनलाल शर्मा मुनीम का काम करते थे। मुनीम का काम छोड़ने के बाद भजनलाल शर्मा वन विभाग के लिए पत्थर खुदाई का भी काम करने लगे थे। लेकिन भजनलाल शर्मा की किस्मत वसुंधरा सरकार में जलदाय मंत्री रही किरण माहेश्वरी के संपर्क में आने से चमकी। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी ने भजनलाल शर्मा को अपने ही विभाग में काम दिलवाया। उसके बाद भजनलाल शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, बड़ी जानकारी तो आपको यह भी दे दूं, 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भजनलाल शर्मा जेल भी जा चुके हैं। 1990 में वह एबीवीपी के कश्मीर मार्च में भी सक्रिय रूप से जुड़े और उधमपुर तक मार्च भी किया था। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। वैसे तो भजनलाल शर्मा 34 साल से ही राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 10वीं क्लास 1984 में और 12वीं क्लास 1986 में नंदबई के गगवाना हाई स्कूल में की थी। इसके बाद बीए 1989 में एमएसजे कॉलेज भरतपुर से की थी। युवा मोर्चा के नंदबई मंडल के अध्यक्ष बनकर भजनलाल की बीजेपी में एंट्री हुई थी। नंदबई में वह एबीवीपी के अध्यक्ष और प्रमुख रहे थे। फिर भरतपुर जिले के सह संयोजक और कॉलेज इकाई प्रमुख व जिला सह प्रमुख भी बने थे। इसके बाद वह पार्टी के लिए लगातार काम करते चले गए और खास बात यह रही कि वह हमेशा आम कार्यकर्ताओं की तरह नजर आए। वह किसी पद के लिए कभी भी मांग नहीं की और जब उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस हुआ तो उनको यकीन नहीं हुआ और आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब भजनलाल शर्मा राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित चेहरा बन गए हैं।